नमस्कार जी, मैं मंजू, कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि एनुअल क्रिसेंथिमम पर वीडियो बनाया जाए। तो वैसे इस पर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं, पर चलिए आपकी फरमाइश पर मैं ये वीडियो बना देती हूँ। तो ये कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि क्राउन डेजी, गार्लैंड, क्राइसेंथिमम, कॉर्न मैरीगोल्ड, क्राउन डेजी, सॉरी मैं बोल चुकी हूँ पहले, और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, मार्गरेट डेजी। तो इसके जो सीड्स होते हैं, कई भाई बहनों ने पूछा है, किसी ने मेरे को बोला था कि इसके सीड राई से छोटे दाने जैसे होते हैं, तो इसके गोल दाने जैसे सीड्स जो हैं नहीं होते हैं। तो सीड जो कलेक्ट करने वाला वीडियो आप मेरा सर्च कर सकते हैं, तो उसमें आपको इसके सीड्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और कुछ ज़्यादा खास केयर नहीं मांगते हैं। तो इस पर जो मैंने वीडियो बनाया था मंजू नेचर लवर चैनल पर डाला था, तो उसका अपडेट भी हो जाएगा और मैं इसके फ्लावर्स भी दिखाती हूँ और ज़्यादा फ्लावर्स कैसे पाने ये भी कुछ टिप्स इस पर दे दूँगी। तो ये जो फ्लावर्स मेरे गार्डन में आप देख रहे हैं, ये एनुअल क्रिसेंथिमम के, और ये वीडियो नंबर 264 का जो है अपडेट है। तो ये मैंने ग्रो करना सिखाए थे। तो ये देखिए कितने सारे, कितने बड़े बड़े फूल इस तरह के, फिर ये ऐसे, तो इस तरह के ये फूल ये होते हैं। और गार्डन में बहुत, गार्डन को मतलब ऐसे खुशनुमा जो माहौल बना देते हैं। खूब सारी मधुमक्खियाँ भी, जैसे आप देख रहे हैं ना, देख पा रहे हैं, ये खूब मधुमक्खियाँ भी इन पर आती हैं। तो इसकी मैंने जैसे कि पहले भी आपसे शेयर किया है कि 40 डिग्री टेम्परेचर तक, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने नोट किया है, चेक किया है, ये जो है फूल खिलते रहते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये छोटी छोटी बास्केट में भी लग जाते हैं, छोटी छोटी बास्केट में अगर आप लगाना चाहें तो उसमें भी लग जाते हैं। और जैसे खाली पड़े जो किचन वेस्ट मटेरियल में छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना हमारे, बच जाते हैं, कोई नमकीन का, उसमें एक या दो प्लांट्स लगा दीजिए, उसमें खूब सारे फ्लावर्स आएंगे। तो ये मैंने नमकीन के पैकेट में लगाए हैं, तो अभी इस पर एक दो फूल खिले हैं और बाकी बड्स बनी हुई हैं, तो सारे ढेर सारे। और दूसरी बात ये है कि इन्हें जब लगाने का सीज़न होता है, सितंबर अक्टूबर में लगाए जाते हैं, तो कुछ कुछ टाइम के बाद, थोड़ा टाइम के बाद जैसे लगाए जाएँ या फिर ट्रांसप्लांट कुछ टाइम के बाद जो किए जाते हैं, तो उन पे जो फूल हैं फिर बाद में आते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने वीडियो जो बनाया इस पे कटिंग से कैसे ग्रो करना है, तो कटिंग से ये बहुत ही इजीली तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जो कटिंग लगाई थी दिखाई आपको, खूब सारी ढेर सारी उस पे रूट्स बन गई, तो इसका मतलब ये बहुत ही इजीली कटिंग से तैयार हो जाते हैं। हाँ, सीड से अभी नहीं लगाइएगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जानी है, जल्दी आ जानी है। और अब जो हाँ तैयार प्लांट्स होंगे जो हमारे आपने आप लगा चुके हो, उन्हें आप ट्रांसप्लांट जरूर कर सकते हैं। और जब तक आपके यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, अगर तब तक उस टेम्परेचर में ये मैच्योर हो गए होंगे, तो ये खूब सारे ढेर सारे जो है फूल देंगे, तो ये कर सकते हैं। और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपने क्या करना है, तो सबसे पहले जो मिट्टी वगैरह, तो मैं वो वीडियो नंबर 264 में बता चुकी हूँ, वो देख सकते हैं। मिट्टी इनकी मॉइस्ट रखनी है, और दूसरी बात इनको आपने फुल सनलाइट में रखना है, पूरा दिन की धूप में इन्हें रखना है, ये बहुत अच्छे से खिलते हैं। और तीसरी बात ये है कि आप चाहते हैं कि खूब सारे अच्छे फूल आएँ, खूब घने हों, तो ये जो फूल ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे सीड बनता है, तो इनको कट कर दीजिए, ये सब चीज़ें कर दीजिए, तो इसके इस पर जो है न्यू ग्रोथ भी होती रहेगी और न्यू बर्ड्स भी बनती रहेगी और फूल भी आते रहेंगे। तो यही सब केयर है। बाकी एक बारी जब मैं इसकी मिट्टी बनाती हूँ, लगाती हूँ अच्छी, जो खाद मिली मिट्टी में, ऑर्गेनिक मिट्टी में, जो ऑर्गेनिक चीज़ों मिली मिट्टी जो बनाती हूँ, तो वो मिट्टी ही वैसी ऑर्गेनिक मिट्टी ही हो जाती है। मिट्टी तो मिट्टी होती है, बस ऑर्गेनिक चीज़ें खाद वगैरह मिला के वो ऐसी हो जाती है। तो उसमें उसके बाद फिर मुझे कोई और फर्टिलाइज़र वगैरह इसे स्पेशल देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जब मैं पानी दे रही होती हूँ या कभी कभार कोई फर्टिलाइज़र ऐसे मैं सारे प्लांट्स में दे रही हूँ तो वो डाल दूँ, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। पर स्पेशली ऐसे इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये सब डालो तो ये ज़्यादा अच्छे से होते हैं, बस
जो ऑर्गेनिक चीज़ें, एक बार आप मिट्टी भुरभुरी जैसी मिट्टी बना लो तो उसमें बहुत ही अच्छे से खिलते हैं। तो छोटी छोटी बास्केट में भी मैंने लगाए हैं, छोटे छोटे पैकेट में भी लगाए हैं, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार। तो मैं कुछ और भी दिखाती हूँ, जो 10-10 रुपए वाली बास्केट आती है ना उसमें भी ये खूब अच्छे से खिलते हैं। ये देखिए, ये 10 रुपए वाली बास्केट में मेरे खिल रहे हैं। और तो और मैं मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ, साल भर से जो मेरे गार्डन में खिल रहे ये गजानिया, लंबे टाइम से मैं कितने सारे वीडियोस बना चुकी हूँ इन पे, और अभी भी ये ढेर सारे जो हैं फ्लावर्स दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये 10 रुपए वाली बास्केट में, तो वही मिट्टी का कमाल है, ये कितने फूल खिले हैं, 7 फूल खिले हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं हो रहा लंबे टाइम से कि जब ये फूल इस पे ना खिल रहे हों। हाँ, जिस दिन बादल हों, बिल्कुल धूप ना निकली हो, उस दिन बस नहीं खिलते हैं, तो ये सब होता है। तो बस इसकी जो केयर करनी है एनुअल क्रिसेंथिमम की, यही सब इसकी केयर है। और हमारे यहाँ ये विंटर के टाइम ही लगते हैं, और अगर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मौसम पूरा साल भर अच्छा बना रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो हो सकता है उन जगहों में और किसी मौसम में भी ये बरसात के टाइम भी लग जाते हों, या ठंडी जगहों में जैसे गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती तो वहाँ उस मौसम में भी ये लग सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये भी मैंने छोटी सी 10 रुपए वाली बास्केट में लगाए हैं, जो ऊपर दिख रहे हैं।